हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मेरे ए एम एजुकेशन चैनल के ऊपर आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फोर के मेरे नोट्स हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे सोशल अकाउंटिंग अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके चेक कर सकते हैं और अगर आपको कोई नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं

उनको बिल्कुल ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन की पता नहीं चलती कि उनका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है उस चीज के अंदर तो जो हमारी इन्वायरमेंटल जो अकाउंटिंग होती है वो क्या बताती है कि ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे अकाउंट्स का इन्वायरमेंट बताना उनका नेट टू अकाउंट्स फॉर द इन्वायरमेंट कंपनी की वो सब चीज़ें हमें बताती है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग फर्स्ट वॉज इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सेक्टर्स फॉर मिनिमाइज ऑफ क्लॉस टू इन्वायरमेंट इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट मेड इन टू द इन्वायरमेंट सेविंग इक्विपमेंट्स डिवाइस दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज इजी एज मनी मेजरमेंट इज पॉसिबल इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट कब की जाती है कॉपरेट सेक्टर के अंदर हमारे मिनिमाइज करने के लिए कि हमारे लॉसेज कितने हैं इसके अंदर इंक्लूड की जाती है इन्वेस्टमेंट जितनी अपने मेड की हैं इन्वायरमेंट के अंदर जितनी हमारी सेविंग्स हैं इक्विपमेंट्स हैं डिवाइस हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं ये जो अकाउंटिंग होती है ये ईजी होती है मनी को मेजर करने के लिए उसकी जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होती है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू ओल्ड टाइप ऑफ लोसेस इनडायरेक्टली ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी इसके अंदर हम देखते हैं कि हर एक टाइप ऑफ जो हमारे लॉसेज होते हैं उसके अंदर तो क्या होता है जितनी हमने इन्वेस्टमेंट मेड की है एंड जो हमारे इन्वायरमेंट है सेविंग इक्वमेंट वो सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और ये मिनिमाइज करती है सिर्फ लॉसेज को इसके अंदर जो हर टाइप के लॉसेज होते हैं वो सारे इसके अंदर दिखाए जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो भी होते हैं दैन एडवेंटेज ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग फर्स्ट वॉज डिसक्लोज यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज

कंट्री के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से करवाती है और जो भी द कोस्ट इनकर्ड टू यूज देम जो हम कोस्ट इनकर्ड होती है जो जो हम उनको यूज करते हैं वो एंड द इनकम अर्न देयर फॉर्म वो हमें सारी ट्रांसपेरेंसी उनको शो करती है उनका फुल यूटिलाइजेशन हमें शो करती है सोशल कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्पोरेट्स कॉपोरेट्स अकाउंटिंग हेल्प इन द मेजरिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वेरियस कॉपरेशन और कंपनीज इन फुलफिलमेंट देयर सोशल रिस्पांसिबिलिटी

इसके अंदर बोला गया इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करता है बिज़नेस इंटरप्राइजेज जो है उनको उनके अंदर इन्वायरमेंट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमारी इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग उन सब चीज़ों को बताता है कि इंटरप्राइजेस के अंदर कितना हमें मतलब इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही चीज़ें इन्वायरमेंट के बारे में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि हमारी कोई भी फैक्ट्री है तो उसका जो भी वेस्ट होता है वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है कर रहा है कितना अफेक्ट कर रहा है उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ऑफ ऑफ अकाउंटिंग नो हैडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट और प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द नॉट बी स्पेटेड फ्रॉम द एस एंड पी डाटा एज पर द प्रजेंट सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है इन्वायमेंट एंड प्रिवेंट करता है डिग्रीडेशन के नॉट स्प्रेड फ्रॉम द एस एन पी डाटा जो एस एन पी डाटा होते हैं उनसे स्प्रेड नहीं करते हैं पर द प्रेजेंट सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स कोई भी रिकोगनाइजेशन नहीं होती है जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनकी नॉन मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज नॉन मार्केटिंग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो इसके अंदर नहीं इंक्लूड की जाती हैं. इन्वायरमेंटल प्रोवाइड सर्टेन गुड्स विच आर हाई वैल्यू बट आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट इन्वायरमेंटल जो है वो प्रोवाइड करवाता है गुड्स एंड सर्विसेज का हाई वैल्यू के बट वो मार्केट के अंदर सोल्व नहीं किए जाते हैं दिस में इंक्लूड्स फायरवुड ये मतलब इंक्लूड करते हैं जो फायरवुड होते हैं मतलब होती हैं वो हमें प्रोवाइड करवाता है वो मार्केट के अंदर हम उनको सोल्व नहीं करते हैं उनकी हाई वैल्यू होती है उनसे हम क्या बनाते हैं हमारा फर्नीचर बनाते हैं सोफा हो गए बेड हो गया वो सब चीजें बनाते हैं चेयर बनाते हैं बिल्डिंग्स होते हैं मेटीरियल होते हैं जनरेटेड इन द फॉरेस्ट एंड मेडिशनल प्लांट्स एक्सेट्रा वो हम जनरेट करते हैं लास्ट हमारा कंजम्पशन ऑफ नेचुरल कैपिटल द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स अकाउंट द Gradually, duplications of physical aspects such as plant and equipment as depreciation. However, duplication of natural capital, particularly the forest, is treated as an income. This can concept considered natural capital. जो ये सिस्टम होता है वो और जो है वो पर्टिकुलरली फॉरेस्ट के अंदर वो उसी को हम ट्रीट करते हैं एज ए इनकम क्योंकि नेचुरल चीजें ही नेचुरली ही हमारी जो चीजें होती है वो कैपिटल होती हैं जो हमारी जो मार्केट से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो नहीं इंक्लूड की जाती हैं इसके अंदर उन्हीं चीजों को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है जो हम नेचुरल जो कैपिटल होती है जिनको हम कंज्यूम करते हैं वो ही इन्वायमेंटल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं साथ साथ हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है आज की वीडियो के अंदर हमने इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया है तो अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो रह गया हो मैं मैंने नहीं करवाया हो या छूट गया हो तो वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना मैं आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी और फिर मिलते हैं कोई एक नए सब्जेक्ट के साथ कोई एक नए वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो